कौन सा सीटीपी जो कि बेस्ट है। हाय फ्रेंड्स, एक अपनी स्वागत है। तो आज हम लोग बात करें सीटीपी मशीन के बारे में, और आप लोग का कुछ क्वेश्चन है तो वो भी क्वेश्चन है जो कि ले लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से जो कि हम यहाँ पे संडे का जो कि लाइव नहीं आए हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग का ले लेते हैं, और इसी में जो कि हम लोग सीटीपी मशीन के बारे में बात करें कि कौन सा मशीन बेस्ट है या कौन सा मशीन लेना चाहिए अभी के डेट में, करेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग का कुछ क्वेश्चन दो चार उठा लेते हैं, उसके बाद जो कि हम लोग सीटीपी मशीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं यहाँ पे रेशमी विश्वकर्मा करके हैं। इनका क्वेश्चन है कि सर, आपका वीडियो के साथ साथ हम यहाँ पर कोरल इंस्टॉल कर रहे हैं, मगर यहाँ पे जो कि मेरा जब कोरल इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे जो कि मेरा ईमेल आईडी वगैरह मांगता है, यहाँ पर इसका मैसेज आ जाता है, तो ये क्या करें, यहाँ पे मेरा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आप एक गलती कर रहे हैं जो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए था। पहले तो क्या, आप वीडियो देख लीजिए, ओके। और जब भी आप कोरल इंस्टॉल करें तो कोरल इंस्टॉल करते समय आप अपना पीसी या आप अपना लैपटॉप का वहाँ पर नेट है जो कि आप बंद कर दें, डिजेबल कर दें, ओके। उसके बाद है जो कि आप वहाँ पर जो कि कोरल इंस्टॉल करें। कोरल इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ पर जो की होता है वो की आपको पहले तो कि डालना है, ओके। उसके बाद आपको कोरल इंस्टॉल करना, वो की जो होता है वो की का सॉफ्टवेयर आपको बंद नहीं करना, ओके। और जब कोरल इंस्टॉल हो गया, कोरल को फिर से ऑन करना, कोरल को ऑन करके वहाँ पे जो कि आपको जो कोरल में जाकर के वहाँ पर जो आपको इंस्टॉलेशन कोड होता है वो इंस्टॉलेशन कोड आपको की का सॉफ्टवेयर में लिख लेना, उसके एक्टिवेट पे क्लिक करना, एक्टिवेशन कोड जब तैयार हो जाएगा उसको कॉपी करके उसमें डाल करके आप उसको सेव कर सकते। ये प्रोसेस है, इस पे जो कि ऑलरेडी हम दो वीडियो पहले से भी बना चुके हैं, और यहाँ पर जो कि हाल फिलहाल में भी एक वीडियो बनाया है, एक वीडियो जो कि यहाँ पे हम टेलीग्राम पे बना करके डाल दिए, जिसमें जो कि हम लोग का यहाँ पे यूट्यूब पे काफ़ी दिक्कत कर रहा था हमको, ओके। इसी कारण से जो कि हम उसको टेलीग्राम पे डाल दिए। आप में से किसी के लिए अगर ये ऐसा प्रॉब्लम आता कोरल से रिलेटिव इंस्टॉल करने में, तो वो वीडियो आप टेलीग्राम पे ऊपर नीचे करके जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, काफ़ी मतलब दो तीन महीना पहले का होगा शायद वो वीडियो, ठीक है ना, वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको पूरा देखिएगा, वहाँ पर जो कि पूरा डिटेल में बता दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई डर नहीं था, वहाँ पर आप उसको देख लीजिए, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बाकी अगर ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं ऐसा होगा कोरल से रिलेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटिव कि आप लोग में से काफ़ी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर से जो कि हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं कोरल ड्रा के सॉफ्टवेयर। तो ये इसका कोरल ड्रा का सॉफ्टवेयर आपको की के साथ है जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कि फुल वर्जन के साथ आपको 64 बिट और 32 बिट दोनों आपको मिल जाएगा, तो उसका जो कि आपको सॉफ्टवेयर वहाँ पर अपलोड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटीपी ऑपरेटर से रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि आप लोग में से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है कि हम सीटीपी ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं, या सीटीपी ऑपरेटर बनने के लिए हम लोग क्या करें या कैसे करें। तो देखिए, सीटीपी ऑपरेटर बनने के लिए या सीटीपी ऑपरेटर के क्या वर्क होता है, कैसे ये काम होता है, इसका फाइल कैसे रेडी होता है, इसका मतलब रिप कैसे होता है, ये सब पे जो कि ऑलरेडी वीडियो बना हुआ, तो चैनल पे जाकर के आपको प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे जो कि सीटीपी ऑपरेटर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एक पोस्ट रिप का, एक सीटीपी ऑपरेटर का, दोनों का आप वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं और वहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब भी आप सीटीपी ऑपरेटर के लिए आप तैयारी करते हैं या जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो आपको कोरल के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल मार्केट में काम करते हैं तो आपको कोरल के बारे में पता होना चाहिए, डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए, है ना, तब आप यहाँ पर जा सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप मास्टर, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो कि आप करते करते सीख जाते हैं, मगर आपको थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ फाइल कैसे रेडी होता है या फाइल में क्या क्या दिक्कत कहाँ से कब हो सकता है ना, तो ये सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। कोरल में कौन सा कमांड कहाँ पे कब है, तो वो सब चीज़ भी आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, उसके बाद आप सीटीपी जॉब के लिए यानी कि सीटीपी फाइल रेडी करने के लिए आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। और सीटीपी मशीन पे जॉब करने के लिए, सीटीपी मशीन पे ऑपरेट करने के लिए तो काफ़ी आसानी है, जो कि आप अगर कहीं पर भी आप नया जगह पर जाते हैं तो आपको 2-4-10 दिन में आप वहाँ पर सीख सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप नॉलेज यहाँ से मेरे चैनल से आप ले सकते हैं, तो सीटीपी से रिलेटिव आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटिव है, जो कि आप लोग का जो कि इम्पोजिशन से रिलेटिव, कि इम्पोजिशन सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहाँ है या कहाँ से मिल सकता है या कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पोजिशन सॉफ्टवेयर में बेस्ट कौन सा। तो देखिए, आप जो भी सॉफ्टवेयर पर अगर आप काम करते हैं तो उस पर आपको हाथ बढ़ जाता है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है ना। तो मेरे नज़र में हम जितना अभी तक समझे हैं, कई जगह हम काम किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें कि इम्पोजिशन जितना भी हम लोग यूज किए हैं या अभी तक जितना भी रिप सर्वर हम लोग यूज किए हैं, तो सबसे अच्छा सबसे आसान हमको लगा ये
है ना। नेविगेटर इम्पोजिशन जो हार्बर जो होता है ये पूरा पैकेज आता है, ये सबसे अच्छा है। ऐसे नेविगेटर तो अलग से भी आपको मिल जाता है, मगर नेविगेटर इम्पोजिशन और हार्बर के साथ जो है ये पैकेज आता है, ये आपको लाइसेंस ही मिलता है, यानी कि आपको परचेज करना पड़ता है, ये फ्री में नहीं मिलता है। तो ये है जो कि एक लाइसेंस ही होता है, एक है जो कि क्रेक होता है। ये बोलने में हम हिचकिचा नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो मेरा ओरिजिनल है, मेरा लाइसेंसी है। आप लोग में से काफ़ी लोग हैं जो कि पूछे थे, ये जो कि आप हमको शेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये लाइसेंसी है, किना हुआ। जब मेरा बायोस्टार मशीन किना आया था तो उसी समय जो कि उसी के साथ आया था, इसी कारण से जो कि हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं, तो हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये जो कि आपको काफ़ी इंजीनियर है, काफ़ी लोग हैं जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये आपको परचेज भी मिल जाएगा, अगर आप परचेज लेना चाहते हैं तो 2.5 से 3 लाख के बीच में आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका क्रेक अगर लेना चाहते हैं तो आपको 15-20 हज़ार से लेकर के आपको 50 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको है कि अगर आप जहाँ से CTP मशीन लेते हैं तो वहाँ पर से भी आपको फ्री में भी मिल सकता है। अगर आप CTP मशीन ले रहे हैं, वहाँ से आप उससे अगर बात करते हैं कंपनी वाले से कि अगर हम आपसे मशीन लेंगे तब जब हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। आप जो या जब भी आप CTP मशीन ले रहे हैं तो आपको इस तरीका के नॉलेजेबल आदमी से आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, या इस तरीका के नॉलेज वाले ऑपरेटर को आपको ले करके उसके बाद आपको मशीन किनना चाहिए कि आपको जब भी आप, क्योंकि हर चीज़ हो जाता है मगर लोग सॉफ्टवेयर पर आकर के अटक जाता है। यहाँ पे जो कि जानते हैं काफ़ी ज़्यादा जो कि आपको प्रोडक्शन का अंतर पड़ जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं CTP के बारे में, कि यहाँ पे जो कि आप लोग में से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था। आप लोग में से काफ़ी लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट किए थे, तो आप लोग कह रहे थे कि कौन सा CTP जो कि बेस्ट है, कौन सा CTP जो कि लें, कि इनके लिए क्या ठीक है नहीं है। तो देखिए, इस पे जो कि ऑलरेडी हम डिटेल वीडियो है जो कि हम बना चुके हैं, आप जा करके चैनल पे देख सकते हैं CTP के बारे में कि कौन सा बेस्ट है, या हम ऊपर आई बटन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। उसके अलावा हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देते हैं कि यहाँ पे जो कि CTP कौन सा बेस्ट है किसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे जब भी आप CTP लेते हैं तो आप फंडिंग क्या है, आप यहाँ पे कितना खर्च करना चाहते हैं, कितना इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्लान बनाना है, ओके। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे काम किस तरीका का, आपका अपना काम है या आपको मार्केट का काम करना है, या आपको क्वालिटी का काम करना, कैसा का वर्क है ना, उस हिसाब से आपको ये भी आप डिसाइड करना। पहला है आपको अमाउंट, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जॉब, किस तरीका का आपका जॉब है, कितना आपका जॉब है, उस हिसाब से उसके बाद आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि देखिए 32 चैनल हो, 64 चैनल हो, अलग अलग जैसे जैसे चैनल आप लेते हैं तो उस तरीका से उस पर आवर के हिसाब से जो कि उसका प्रोडक्शन है, तो उस हिसाब से आप उसको मशीन ले सकते हैं, उस हिसाब से जो उसका रेट भी है ना, तो उस हिसाब से। और राहवादी बेस्ट अगर देखा जाए तो बेस्ट है जो कि आपको बायोस्टार का मशीन, आपको बायोस्टार आपको सबसे बेस्ट मशीन है और सबसे बेस्ट प्लेट है, ओके। तो बायोस्टार में आपको टेक्नोवा का आप ले सकते हैं, अगर आपको मिलता है तो, आज के डेट में तो नहीं मिलता है, अगर आपको आज के डेट में मिलेगा तो वहीं सेकेंड हैंड मिलेगा, आप कहीं से ले सकते हैं। फ्यूजी का ले सकते हैं, टेक्नोवा का ले सकते हैं, बायोस्टार कोई भी चीज़ ले सकते हैं, FFI का भी ले सकते हैं, कोई भी एनीबॉडी बायोस्टार अगर आपको कहीं पर व्यवस्था हो जाता तो यहाँ पे ले सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं, ओके। तो अभी करेंट की बात किया जाए तो अभी यहाँ पे CTCP चल रहा है और थर्मल चल रहा है, तो ये दोनों मशीन है जो कि आराम से आप ले सकते हैं। ये जो कि आपको अच्छी तरीके से जो कि आपको आसानी से जो कि उपलब्ध हो जाता है, आपको यहाँ पे सेकेंड हैंड भी मिल जाता है, यहाँ पे जो कि आपको नया भी मिल जाता है, जो आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास नॉर्मल मार्केट है, अगर आप सस्ता वाला चाहते हैं तो आप CTCP पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप यहाँ पे जो कि थर्मल पे भी जा सकते हैं। दोनों इन सबसे बढ़ के अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे जो कि बायोस्टार ले सकते हैं, या फ्यूजी का, या कोई भी, ये सब आपको सेकंड हैंड आराम से मिल जाएगा, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों रहता है, तो इसी कारण से आप बायोस्टार पे जा सकते हैं, ओके। तो ये था आप लोगों का कुछ क्वेश्चन, तो हम सोचे कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मिलते का अभी, आई होप वीडियो बिल्ला कीजिएगा, गुजादन चंद्र सफा कीजिएगा, मिलते का अभी इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।